तो आप साथियों को नमस्ते करता हूं एक बार, जो साथी जुड़ चुके हैं, और फटाफट और भी साथी जुड़ जाएं। तो अभी आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरव्यू से जुड़े हुए चीज़ों के लिए, और आप लोग सीधे मेरे से बात भी कर सकते हैं। जो भी साथी कुछ पूछना चाहें पूछ भी सकते हैं। तो ज़रा इंटरेक्टिव सेशन होगा। विनायक जी नमस्कार, और आप जो हैं कुछ साथी जो हैं मध्य प्रदेश ग्रामीणा बैंक से ज़रा फटाफट जुड़ जाएं, तो फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरव्यू के स्किल्स, किन किन टॉपिक्स पे अभी जो है इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं, और क्या क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो भी साथी सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर वो अपना कैमरा वगैरह ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, और जब सवाल पूछना नहीं है तो कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, या सभी साथी कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण देखा जाता है इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट, उसमें कितने नंबर होते हैं। देखिए, अगर इंटरव्यू में देखेंगे तो 20 मार्क्स होते हैं और अप्राइजल में 30 मार्क्स। तो आपके रिटर्न में जो 50 मार्क्स हैं, जिसमें 30 मार्क्स तो जनरल बैंकिंग के हो गए और 20 मार्क्स जो है आपकी लैंग्वेज से हो गए, तो ये 50 मार्क्स हैं। और ऐसा तजुर्बा देखा गया है कि 50 मार्क्स में अगर आपको 35 नंबर आ गए तो बहुत अच्छा जो है एक चांस रहता है प्रमोशन एग्जाम के लिए। और दूसरा जो होता है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू में 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, और फिर उसके बाद अगला होता है अप्राइजल, जिसमें 30 मार्क्स होते हैं। तो ये सारे मार्क्स मिला के फिर मेरिट डिसाइड होता है, और फिर आपको जो है वो सफलता की सीढ़ी या सफलता का ताज कह लीजिए, सफलता का ताज मिलता है। तो सफलता जरूरी है जीवन में, तो उस सफलता को पाने के लिए जो है हम सही तरीके से हमें तैयारी करनी होती है, सही तरीके हुनर लाने पड़ते हैं, सही तरीके स्किल लाने पड़ते हैं, और इंटरव्यू में अपनी इच्छा शक्ति जतानी होती है। इंटरव्यू एक्चुअल में क्या है, एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है, एक रोल प्ले के लिए। आपको एक रोल दिया जा रहा है ब्रांच मैनेजर का, आपको एक रोल दिया जा रहा है आपको असिस्टेंट मैनेजर का, आपको एक रोल दिया जा रहा है सीनियर मैनेजर का। तो उस रोल के लिए आप कितना फिट बैठते हैं, ये जो है ये नजरिया, ये दृष्टिकोण साबित कर पाना, ये इंटरव्यू का मेन जो है वो उद्देश्य है, सिलेक्शन प्रोसेस का ये मेन पिलर है। तो इंटरव्यू जो है एक आपकी दृष्टिकोण है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपके अंदर सकारात्मकता कितनी है, आपके अंदर संचार कौशल क्या है, आपके यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपके अंदर, ये चार चीजों का जो पैरामीटर जो बताया मैंने, कहा आपका दृष्टिकोण, आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर पॉजिटिवनेस, आपके अंदर प्रोएक्टिवनेस, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर एक जो आप उस रोल को अदा करने जा रहे हैं उसके लिए आप कितना फिट बैठते हैं, ये चीज जो है आप इंटरव्यू में देखी जाती है। तो इंटरव्यू समझ लीजिए इस तरीके से, साधारण तरीके से समझेंगे कि आपको एक फिल्म का हीरो चुना जा रहा है, या उसके लिए स्क्रीन टेस्ट देना है, आपको एक फिल्म में हीरोइन का रोल मिलने वाला है और उसके लिए स्क्रीन टेस्ट देना है, तो आप कैसे जाएंगे, उसके कॉस्ट्यूम में जाएंगे, उसके कुछ डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे और वैसे हाव भाव करने पड़ेंगे, वैसे एक्टिंग करना पड़ेगा, यस और नो, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह आपको अगले 3 साल या 4 साल के लिए जो है एक रोल मिलने वाला है, और वो है ब्रांच मैनेजर का रोल मिलने वाला है, या आपको एक रोल मिलने वाला है वो असिस्टेंट मैनेजर का या सीनियर मैनेजर का रोल मिलने वाला है, तो उसका स्क्रीन टेस्ट होना है, वो है इंटरव्यू। तो आप क्या करेंगे, वैसे कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे, आपका उसका ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए, आपको कुछ डायलॉग्स वो इस तरह से बोलना है, अभी नहीं आता है तो ड्रामा करिए, क्योंकि जब सिलेक्शन होंगे तो आप वैसा, आप उसको रोल को सिखा दिया जाएगा, वैसा आपको सीख जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो है आपको स्क्रीन टेस्ट है, उसके लिए हाव भाव आपकी सोच अधिकारी जैसे होनी चाहिए, आपकी वेशभूषा अधिकारी जैसे होनी चाहिए, आपकी बोलने का तरीका अधिकारी जैसे होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अधिकारी जैसा होना चाहिए। तो जिस रोल के लिए, जिस पद के लिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो तमाम कला कौशल आपके अंदर है,
तो आप इंटरव्यू का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पांच तरीके से इसको देखा जाए कि पांच हिसाब से जो है पांच पैरामीटर के आधार पर इंटरव्यू लिया जाता है। पहला चीज देखा जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी। तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन का अगर आपको मौका मिला तो समझ लीजिए कि आपको अपने आप की मार्केटिंग करने का मौका मिल गया। तो आपको अपने आप की मार्केटिंग करने का मौका मिल गया तो आप क्या करिएगा बताइए, आप क्या करिएगा कि अगर आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पहला ही सवाल, ज़्यादातर लोगों का 65% तजुर्बा ये है कि इंटरव्यूअर जब आप इंटरव्यू में जा कक्ष में आप जाते हैं तो आपको वो स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद जो है वो आपको रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं कि आइए बैठिए और बताइए अपने बारे में बताइए। तो ये नॉर्मली क्या होता है, आपके हाव भाव को देख के जो इंटरव्यूअर हैं ये सवाल पूछते हैं। तो यही एक असला मतलब असली मौका है आपके पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी मार्केटिंग कर लीजिए। अपनी मार्केटिंग, आप किसी चीज़ का प्रमोशन कैसे करते हैं, सपोज हम अगर हम ये एप्पल मोबाइल चलाते हैं ठीक है, या मोबाइल चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसका क्या बोलते, अरे यार ये शानदार है यार, ज़बरदस्त है, अरे बेहतरीन है, तस्वीर बहुत अच्छा आती है, सब चीज़ अच्छा आता है, बोलते हैं ना उसकी अच्छाइयों को बोलते हैं ना। ठीक उसी तरह इंटरव्यू में हमें मौका मिला है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, तो अपनी मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बारे में जो अच्छाइयाँ हैं उनको बताएंगे ना, है कि नहीं। तो आपके बारे में अच्छाइयाँ क्या है आपको पता करनी है कि आपके बारे में अच्छाइयाँ क्या हैं। तो जब आपके बारे में अच्छाइयाँ आप बताएंगे कि सर देखिए मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो वो मार्केटिंग हो पाएगी और आपका इंटरव्यू जो है पर्सनल, आपके पर्सनल से जुड़े हुए कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उनको साझा करिए, परिवार से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें हैं तो साझा करिए, और आपके आसपास कोई अच्छी चीज़ है तो साझा करिए। तो पहला जो पैरामीटर होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरा पैरामीटर जो इंटरव्यू का होता है वो होता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा से लेके उच्च शिक्षा दीक्षा और उच्चतम शिक्षा दीक्षा, जहां से हुई है उस सब्जेक्ट के बारे में उन लोग पूछने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर होता है एजुकेशनल। लेकिन अगर देखा जाए तजुर्बा तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, और 5-10% जो पूछा जाता है वो आपके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से। और तजुर्बा ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी को कम नंबर देना है तो उसको पूछ लो भाई उसके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर आपने हिस्ट्री में एमए किया हुआ है तो आपको ग्रिल करना है तो उसको पूछ लेंगे कि बताओ पानीपत की लड़ाई कौन लड़ी थी, कितने सैनिक थे, कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, यही सवाल पूछ लेंगे। तो मान के चलिए कि आपको ग्रिल किया जा रहा है ना। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इसमें जो है कम सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आपको एजुकेशन छोड़े 5-10 साल हुआ रहता है, कुछ चीज़ें मेमोरी में हैं नहीं है। लेकिन अगर ग्रिल करना है आपको, परेशान करना है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है और ये देखा जाता है कि इसने जो पढ़ा है वो उसको अपनी कितना वो मेमोरी में रख के ले जा रहा है। तो पहला हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा हो गया एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, और तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो मोस्ट पॉपुलर क्राइटेरिया है, वो है आपका इम्पोर्टेंट है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल तो सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए कि 100 बार अगर इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है 95 times जो पूछा गया है वो जॉब प्रोफाइल के बारे में, 90 से 95 से लेके 95% यही पूछा जाता है कि बताइए गुंजा मैडम आप क्या करते हैं, मतलब आप क्या काम देखते हैं, क्या पोर्टफोलियो देखते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सा काम देखते हैं, फिर उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब प्रोफाइल है। वो जानना चाहते हैं कि आप जिस डेस्क को संभालते हैं, जिस काम को करते हैं, वो काम को कितने अच्छे से आप कर पाते हैं, क्या क्या जानकारी आप उसके लिए रखते हैं, आपके पास्ट अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके योजनाएं क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपका उस काम के प्रति आपका नज़रिया क्या है, उस काम के प्रति आपने किस निष्ठा भाव से काम किया है, इसको शब्दों में बताने वाला काम है जॉब प्रोफाइल। उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तीसरा कैटेगरी है। तो पहला कैटेगरी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में बताइए, जो साधारणतः सभी से पूछा जाता है, उसका भी रेशियो ज़्यादा है।
दूसरा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, वो कम लोगों से पूछा जाता है लेकिन जिसको ग्रिल करना हो उसको तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और अगला जो है वो है आपका जॉब प्रोफाइल, ये ज़्यादातर लोगों से पूछा जाता है जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल जो है ज़्यादातर लोगों से पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंकिंग नॉलेज। तो अभी हम तीन कैटेगरी पे चर्चा किए हैं, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और तीसरा आपका है जॉब प्रोफाइल और चौथा है बैंकिंग नॉलेज। तो बैंकिंग नॉलेज क्या है, दो तरह का बैंकिंग नॉलेज होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग नॉलेज होता है जो यूनिवर्सल में सभी बैंकों के लिए समान होता है ना, और दूसरा होता है इंटरनल बैंकिंग नॉलेज। तो ये दोनों मिला के जो है बैंकिंग नॉलेज है। तो बैंकिंग नॉलेज तो अथाह समंदर है, तो बोलते हैं ना हरी कथा अनंता, वही वाला है। तो बैंकिंग में से कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, DICGC के बारे में बताइए, PPF के बारे में बताइए, सुकन्या समृद्धि के बारे में बताइए, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग नॉलेज। तो इसका भी जो परसेंटेज है वो 10% है, क्योंकि आपकी बैंकिंग नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, तो ये एक आध सवाल इससे पूछे जा सकते हैं और बैंकिंग नॉलेज से। और अगला जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, देश दुनिया में अभी क्या हो रहा है, बैंकिंग नॉलेज में क्या बदलाव आए हैं, करंट अफेयर्स क्या है, सामाजिक जीवन और ये आपके राजनीतिक और आर्थिक इस दृष्टिकोण में जो नए आए हुए हैं चेंजेस हैं अभी करंट अफेयर जो चल रहे हैं उस पर नए मुद्दों पे सवाल पूछे जा सकते हैं, कृषि कानून पे पूछे जा सकते हैं, ये जो कोरोना महामारी पे जो आए उस पर पूछे जा सकते हैं, है ना, ओलंपिक खेलों पर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है करंट अफेयर्स। तो ये 5 पैरामीटर पे इंटरव्यू के सवाल होंगे, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा जॉब प्रोफाइल, चौथा जो है बैंकिंग नॉलेज और पांचवा जो है करंट अफेयर्स। तो अगर इनको समराइज करें कि किस पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो उनको देखिए, पहला तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सवाल सभी से प्राय पूछे जाते हैं, 90-95% पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन 5-10% लोगों को पूछे जाते हैं। तीसरा जो है जॉब प्रोफाइल, ये इनका जो पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, इसका 90-95% जॉब प्रोफाइल पे ही सवाल पूछा जाता है, है ना, 90-95% लोगों से जॉब प्रोफाइल पे ही सवाल पूछा जाता है और कई लोगों का इसी जॉब प्रोफाइल पे ही जो है सवाल जो है मतलब उनका इंटरव्यू जो है ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट है बैंकिंग नॉलेज, तो ये 20-25% लोगों को जो है बैंकिंग नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी तो इतने एग्जाम दे के आए हैं, एक आध जो 20-25% जो है इसमें लोगों को सवाल पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 40% से लेकर 50% जो है करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, कि वो जानना चाहते हैं कि भाई अभी जो ये बंदा है आया हुआ है ये जो है करंट अफेयर्स या ताज़ा जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। सपोज जैसे अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ये सवाल पूछा जा रहा था कि अगर कैश ड्राइव हुआ कितने घंटे तक, तो अभी RBI ने एक नए पेनल्टी का अनाउंसमेंट किया है, तो 10,000 पेनल्टी का अनाउंसमेंट किया है, अगर 10 घंटे से ज़्यादा कैश ड्राइव होता है महीने में तो 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, अगर कैश ड्राइव 10 घंटे से ज़्यादा है तो 10,000 का पेनल्टी है। तो इस तरह का जो नए चेंजेस हैं इसके बारे में सवाल हो सकता है, आज कल ही पेपर में कुछ अनाउंस हुआ हो और आज सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपका इंटरव्यू स्किल्स में जुड़े हुए 5 पैरामीटर है। अभी आप जो साथी कल इंटरव्यू में देने जा रहे हैं या आने वाले 1-2 दिन में जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथी हैं इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा आइडिया दूं तो उनको क्या क्या चीज़ तैयारी करनी है। जैसे आप अगर ब्रांच में काम कर रहे हैं तो आपके ब्रांच का डिपॉजिट कितना है, एडवांसेस कितना है, NPA क्या है, टॉप मोस्ट अकाउंट कौन सा है, सबसे बड़ा NPA अकाउंट कौन सा है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी। फिर साधारणतः अभी हाल ही में जो जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। आपके जो कैपिटल शेयरिंग जो रेशियो होता है जिसको प्रायोजक बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है उसके बारे में तैयारी। फिर आपके जो कोई सा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें थोड़े से डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे अभी कई साथियों का जो है हमें सुझाव आया या उनका तजुर्बा आया, अनुभव आया कि सर हमारे बैंक में एक नया स्कीम लॉन्च हुआ कि अगर कोई व्यक्ति डबल डोज लिया हुआ है, वैक्सीन लिया हुआ है कोरोना का,
तो उसको 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे एफडी बनाने का मौका देते हैं। इम्यूनिट स्कीम्स कुछ है ना, इम्यूनिट स्कीम है। तो ऐसे चीजों को जो है सवाल पूछे जाते हैं, नया कोई प्रोडक्ट आया हुआ है तो। अब इसमें जो है आपको बैंकिंग से जुड़े हुए थोड़े से आपके इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे लाभ कैसे कमाए जा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, क्या क्या तरीका है प्रॉफिट कमाने का। तो सबसे बड़ा तरीका है वो है एडवांसेस। एडवांसेस अगर क्वालिटी एडवांस अगर हम बढ़ाते हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले अगर अग्रिम हम विस्तारित करते हैं, तो हमारे प्रॉफिट कमाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरा तरीका है कि एंसिलरी सर्विसेज। एंसिलरी सर्विसेज जब देते हैं हमारा, तो वहां पर प्रोसेसिंग चार्ज आता है, सर्विस चार्ज आते हैं, तो ये एंसिलरी सर्विसेज में प्रॉफिट आता है। फिर आता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग में इंसेंटिव आते हैं, कमीशन आते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट बिजनेस, तो गवर्नमेंट बिजनेस में कमीशन आता है। तो गवर्नमेंट बिजनेस में देखिए, एक पेंशन अकाउंट खुलता है तो कितना प्रॉफिट होता है हमको, है ना। एक पेंशन पेमेंट में 75% का जो है हमको फायदा मिलता है, 75% रुपए जो है हमको कमीशन मिलता है। तो ये तरीका है। फिर अगला तरीका है कि आप जो खर्च कम करके जो है हम लोग भी प्रॉफिट, खर्च कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और फिर उसके बाद अगर जो लिटिगेटेड चीजें हैं उस अगर हमारी शिकायत दूर हो जाती है तो भी खर्च कम प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों बताइए, अगर कंज्यूमर कोर्ट में चला गया, अगर कहीं कोर्ट में चला गया तो वहाँ पैसा रखना पड़ता है, तो P&L से जाता है ना, लॉ चार्जेस होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ आप अगर ठोस आइडिया देंगे, अच्छी ग्राहक सेवा रखेंगे तो शिकायत ही नहीं होगा। तो ये आपको लाभ कमाने के तरीके पूछे जा सकते हैं। फिर ज्यादातर जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, आकस्मिक देता है क्या है, जिसको बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ये पैदा हो भी सकता है, पैदा नहीं भी हो सकता है। फिर नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है, RRB के बारे में पूछा जाता है, और आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में क्या जानते हो। भारत के हर एक नागरिक के पास सरल और सस्ते तरीके से बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना। फिर उसके बाद ज़्यादातर अभी कई लोगों को पूछा रहा है कि CRR क्या है ना, SLR क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और अभी जो है BCSBI के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, BCSBI क्या है ना। फिर आता है आपका जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, जो चेक 50,000 से ऊपर आते हैं उनको एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में उनको अपना जानकारी बैंक को देना होता है कि 50,000 से ऊपर के अगर चेक हैं तो वो उनको मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या शाखा में इंटीमेट करना होगा कि किसको चेक काटे गए हैं और कितने रुपए का चेक काटे गए हैं, ये सारी डिटेल उनको देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब आता है कि आपके नोट पॉलिसी पे भी सवाल पूछा जाता है, जो फेक नोट है उसके भी सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आजकल जो मार्केटिंग का दौर आया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं आप। मतलब अगर मान लीजिए गूगल में कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो वही वही चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। आप कहाँ पर परचेसिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में डिटेल आपके मोबाइल तक भेजना चालू कर देता है। ऐसे चीज़ों को है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, डाटा एनालिटिक्स बोलते हैं। फिर जो है आपका आपका योगदान क्या है बैंकिंग काम में, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। फिर डोर स्टेप DSBS, जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके बैंक में जो डोर स्टेप बैंकिंग पॉलिसी है उसका पॉलिसी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर कुछ जो है शाखा प्रबंधक के तौर पे आप क्या काम कर पाएंगे, क्या अच्छा काम कर पाएंगे, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ हाल ही में अगर जो कुछ इंटरव्यू हुए हैं उसमें अगर देखा जाए क्या क्या सवाल कुछ साथियों ने भेजा है, देखता हूँ मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि कौन कौन से सवाल जो हैं उनको अभी ग्रामीण बैंक के ही साथियों ने भेजा है। तो उनका सवाल जैसे एक साथी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनसे पहले पूछा गया कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद सवाल पूछा गया
कि ब्रांच किस रूट में है, ब्रांच किस रूट में, देखिए साधारण चर्चा हो रही है, कैसे जाते हो, बस में जाते हो, बाइक में जाते हो, कार में जाते हो, कहाँ रहते हो, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, अगर आपको सुकमा, मतलब ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का ही है, अगर आपको सुकमा पोस्टिंग दे दिया जाए, सुकमा ब्रांच जहाँ पर वो नक्सलाइट ब्लास्ट हुआ था, इतने लोग को मारे थे, तो वो वहाँ दे दिया जाए तो आप जाएंगे। फिर पूछा गया ब्रांच का एक्चुअल एनपीए कितना है, आपका एनपीए कितना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्रांच का डिपॉजिट और एडवांसेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप बैंक के बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये पूछा गया। फिर उन्होंने पूछा कि आप इतने साल, 6 साल बैंक के साथ जुड़े हुए, बैंक की नौकरी में, तो आपने क्या सीखा, आप क्या सीख पाए, ये सवाल पूछा गया। इतने सवाल पूछे तो प्राय जो है इंटरव्यू 10 से 15 मिनट होता है, और 10 से 15 मिनट में आपसे जो है इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपके लिए बोलने के लिए 5 से 6 मिनट होता है, क्योंकि उसमें बीच में 3-4 लोग और जो रहते हैं इंटरव्यू पैनल में, एक नाबार्ड के रहेंगे, आपके स्पॉन्सर बैंक से रहते हैं, ठीक है, फिर आपके बैंक के भी रहते हैं जो महाप्रबंधक होंगे, जो आपके एचआर के, वो भी रहेंगे, तो उनको भी तो बातें करनी है ना, ठीक है। चलिए तो अभी मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं जी, मनोज कुमार जी जय हिंद। हाँ वाह शानदार, मनोज कुमार जी जगह हैं। चलिए तो आप तो शानदार दिख रहे हैं, ओके। अभी बात करते हैं अगला जो है, अगला एक साथी का सवाल अगर हम साझा करें तो उनसे क्या क्या पूछा गया। हाँ एक साथी से पूछा गया कि, ये पूछा गया कि टेल अबाउट योर ब्रांच बिजनेस, एक साथी से सवाल पूछा गया टेल अबाउट योर ब्रांच बिजनेस, तो अपने ब्रांच के बिजनेस के बारे में सवाल पूछा गया, तो अपने ब्रांच का बिजनेस अगर आपको पता है तो फटाफट बोल दीजिएगा कि सर 31 मार्च को हमारे ब्रांच का बिजनेस जो है 16 करोड़ का था, जिसमें 10 करोड़ जो है हमारे डिपॉजिट है, 6 करोड़ एडवांस है, जिसमें कासा डिपॉजिट हमारा सर 60% कासा डिपॉजिट है, और हमारे यहाँ जो ग्राहक हैं वो लगभग 25,000 ग्राहक हैं। तो इस तरह से जब आप जवाब देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा सवाल पूछते हैं, है ना। अब उनसे सवाल पूछा गया कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर हाउसिंग लोन सेंक्शन, हाउसिंग लोन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत होता है, अगर कोई ग्राहक आपके यहाँ हाउसिंग लोन लेने आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, ये सवाल पूछा गया। फिर उनसे पूछा टेल अबाउट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कुछ बताइए। फिर अगला सवाल पूछा गया सिबिल का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिबिल रिपोर्ट, सिबिल रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सवाल पूछा गया। फिर अगला सवाल पूछा गया इन विच डिपार्टमेंट यू आर प्रेजेंटली वर्किंग, देखिए जॉब प्रोफाइल पे सवाल पूछ दिया कि आप वर्तमान में कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये एक साथी का जो है इंटरव्यू हुआ, ग्रामीण बैंक का 12 मिनट का इंटरव्यू हुआ। अगला एक 0 to 1 क्लरिकल टू ऑफिसर्स के लिए एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें सवाल पूछा गया कि इफ देर इज डिफरेंट इन नेम में पैन कार्ड एंड आधार, अगर पैन और आधार के नाम में डिफरेंस है तो खाता खोल दोगे क्या, ये सवाल पूछा गया। और आपने इंजीनियरिंग करी है तो उसका बैंक में क्या फायदा उठाएंगे, आपने सीआईबी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन सीआईबी एग्जाम, व्हाई यू शुड बी प्रोमोटेड एज ऑफिसर, आपको ऑफिसर क्यों बनाया जाए, व्हाट इज ई केवाईसी, ये सवाल पूछे गए। तो एक साथी से इतने सवाल पूछे गए, और एक साथी से सवाल पूछे गए तो उसमें लिखा है कि पहले ही सवाल पूछा कि आप कैसे हैं, आप अपने आप को जो है ऑफिसर के तौर पे कैसे देखते हैं, डिस्क्राइब करिए। और फिर आप के बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो ब्रांच का क्या है, मैक्सिमम अकाउंट जो है किस किस हेड के हैं, सीटीएस क्या है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, बैंक का मेन फंक्शन क्या है, ये सवाल पूछा गया। फिर एक साथी से सवाल पूछा गया कि कस्टमर बेस आपके ब्रांच का कितना है, आपकी कोई ओटीएस स्कीम है उसके बारे में बताइए, आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, आपका कोई मिस कॉल अलर्ट जो नंबर है वो कितना है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए और हाईएस्ट डिपॉजिटर का नाम बताइए, फिर उसके बाद आप एडवांस के फील्ड में क्यों काम नहीं करते हो, क्या वजह है आप काम नहीं की हो अभी तक और आगे काम का मौका मिलेगा तो कैसे करोगे, आपके रिकवरी में रोल क्या है, आप अगर कैशियर हैं तो भी आपका रिकवरी में क्या रोल है, डिजिटल जो बैंकिंग है उसमें आपका क्या रोल है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पूछी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अपने हुनर को लेके जाइए, अपने कॉन्फिडेंस को लेके जाइए, आपके पास जितना सारा नॉलेज है उसको रिकॉल करते हुए जाइए और शब्दों का जो चयन करेंगे, जो बोलेंगे वो ज़रा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है, जितना पूछा जाए उतना बताना है, मालूम है तो अपने ही लहजे में बताना है, नहीं मालूम है तो विनम्रता से मना कर देना है। दैट्स ऑल, इतना ही है। इंटरव्यू कुछ नहीं, जस्ट लाइक वार्तालाप है, जिस तरह मैं और आप बात करते हैं ठीक उसी तरह उस दिन जो चयन करता होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे वो एम्प्लॉय से बात करेंगे, आपके चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आपके पास आइडिया क्या है, आपके पास हुनर क्या है, ये तमाम चीज़ों को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इंटरव्यू से जुड़े हुए हिंट्स जो है आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। अभी मैं यहाँ जुड़े हुए साथियों से निवेदन करूँगा कि उनके मन में कोई सवाल है अगर तो वो जो है पूछ सकते हैं और मैं उनके लिए कुछ सलाह दे पाऊंगा। तो ये अब टर्न होता है आपका चालू, अगर कोई साथी मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, स्वागत है। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। हेलो जी, हेलो बोलिए सर जी। आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। आपकी आवाज आ रही है, आपकी थोड़ा ये हो रहा था सर जी। हमारा SBI का मॉक टेस्ट थोड़ा कब तक हो जाएगा, मिलेगा? उसके लिए बात करिए मुझे पर्सनल में, मैं उसके लिए चर्चा करूंगा। आज थोड़ा इंटरव्यू के बारे में जानकारी चाहिए तो बात करेंगे, है ना सर जी? इंटरव्यू के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लगी। हाँ, और बहुत ही आपके जैसा कोई समझा नहीं सकता यहाँ इस जहां में, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके इन हौसला अफजाई के लिए, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप जरूर सफल होंगे और वो चीज़ें जो मिलेंगी आपको भी अच्छा लगेगा, उसके लिए मैं सेशंस भी करूँगा, ठीक है? ओके सर। तो एक्चुअल में आज ये सेशन में किया था क्योंकि कुछ हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथी हैं, उनका इंटरव्यू है, तो अगर वो साथी जरा अपने मन में कुछ शंका है पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गुंजा मैडम है, जुड़े हुए हैं? गुंजा मैडम आइए, लाइन पे आइए। स्वाति मैडम है? यस सर। हाँ गुंजा मैडम, कैसे हैं जी? कब है इंटरव्यू आपका? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलते जाइए सर। स्वाति तिवारी बोल रही थी। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते, बढ़िया। लाइट वाइट ऑन करके कैमरा में आइए, क्या दिक्कत है? जी, बहुत बहुत नमस्ते मैडम। हैं आप तो महान है ना, बैंक का जो भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं, सबके मुखिया आप हैं। है ना? मैं बोल रही थी वो पोस्टिंग के लिए कुछ पूछेंगे तो क्या उसको जवाब करना है पोस्टिंग के लिए जी? यदि वो पूछते हैं कि आपका ट्रांसफर हो कर देंगे अदर रीजन में। जी जी, तो ये बड़ा मतलब एक्सपेक्टेड सवाल है, जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पोस्टिंग के लिए तो आपके चेहरे पर जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने हमारे इस महान संस्था मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का कि मुझे एक अवसर जो है वो नए पद के लिए अवसर दे रहे हैं, और
क्योंकि मैं समर्पित भाव से बैंक में काम कर रही हूँ, तो मुझे जहां भी सेवा करने का अवसर दिया जाएगा मैं पूरी तन्मयता के साथ, अपने कर्मठ भावनाओं के साथ और अपनी जिम्मेदारी का वहन करूंगी और मैं उसे, मेरे को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको सही तरीके से अवश्य करूंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप वहां पर वैसे ही बोल के ड्रामा करना है, उसके बाद तो सेटिंग कर लेंगे, इधर उधर भोपाल के आसपास दिलाई देंगे आपको। बट इंटरव्यू में आपको जो मैंने नपेतुले शब्दों में कहा उसका उत्तर वही है, क्योंकि इंटरव्यू मैंने बताया स्क्रीन टेस्ट है, आपका स्क्रीन टेस्ट है। आपको एक डायलॉग दिया मैंने, दिया अभी उसी डायलॉग को बोलना है, ठीक है? उसके बाद तो बाद में है ना, देवेंद्र भाई है ही है। हाँ देवेंद्र भाई बताइए, कैसी तैयारी चल रही है? नमस्कार, बढ़िया है सर। जी जी जी, और आप चेहरे में मुस्कान रखिएगा जी सर। साधन ड्रेसिंग सेंस आपके जो है वो रोल प्ले के हिसाब से रहना चाहिए। और फिर उसके बाद ध्यान से सुन के 5 से 7 मिनट आपको बढ़िया तरीके से ऐसे दिखना चाहिए कि हाँ यही सीनियर मैनेजर है, यही ब्रांच मैनेजर है ना। फिर उसके बाद हम लोग टॉक पीट के कस्टमर आपको सही सही कर देगा। है कि नहीं? क्योंकि एक इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, जैसे आप एक एग्जांपल बताते हैं स्वाति मैडम, है ना, पुराने जमाने को याद करिए, पुराने जमाने को याद करिए कि जब एक दुल्हा दुल्हन शादी के लिए देखने जाते थे तो कितना मिनट देखते थे, एक दुल्हा जो है दुल्हन को कितना मिनट देखता था, कितना मिनट, है ना? एक सेकंड वो चाय लेके आती थी, वो चाय लेके आती थी और देखते थे। तो आप सोचिए वो 10 जगह जाता था लेकिन एक जगह हाँ कर देता था, मतलब दूल्हा जो है 10 जगह जाके हाँ कर देता था एक जगह। क्यों? क्योंकि उसको एक फील आता था कि हाँ भाई ये मेरी दुल्हन बन सकती है, ठीक है, ये मेरी दुल्हन बन सकती है। एक फील आ गया किससे? बॉडी लैंग्वेज से। अभी वो बात नहीं किया है, ठीक से देखा नहीं है, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज से एक फील आ गया कि हाँ ये मेरी एक दुल्हन बन सकती है और उसको हाँ कर दिया। तो फिर उसके बाद तो सिंगार करके बाद में जब शादी हो जाएगी, ढोल बराज हम लोग पार्टी वार्टी कर लेंगे, उसके बाद तो बढ़िया तरीके से बना ही लेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करें तो अगर हमारे पास आंसर कोई भी नहीं है, अगर वो दूल्हा पूछा होगा कि आप चिकन बनाने जानते हो या अच्छा सब्जी बनाने जानते हो, तो कुछ बोली भी नहीं होगी वो। है ना? तो ठीक उसी तरह इंटरव्यू में भी आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप अगर नहीं भी बोल पाएंगे तो आपका अगर बॉडी लैंग्वेज आपका उसको उनको फील अच्छा आ गया होगा आपको देख के, तो आपको सफलता मिल जाएगी, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना? और आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई बात हो तो जरूर बताइए। और एक और क्वेश्चन कि आपको क्यों प्रमोट किया जाए स्केल 3 के लिए? जी, तो ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। जब आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसका बड़ी विनम्रता से जवाब दीजिएगा कि सर मुझे जो है इस महान संस्था में काम करते हुए अभी 10 साल हो गया, या आपको कितने साल हो गया? 10 साल। तो इस महान संस्था में मुझे काम करते हुए 10 साल हो गया, तो मेरे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। इन 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में मैं बैंकिंग के तमाम गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाई हूँ और जिन जिम्मेदारियों को मुझे दिया गया उसको मैं सही तरीके से निर्वहन कर पाई हूँ और अपने आप को साबित कर पाई हूँ कि वो तमाम लक्ष्यों को हासिल करने में मैं सक्षम हूँ। तो पहली चीज, मैं सक्षम हूँ उस पद को, और जिस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ तो उसके लिए मैं मानसिक तौर से पूरी तरह से तैयार हूँ। तो पहला, हमारे अंदर सामर्थ्य है और मैं मन से तैयार होकर आई हूँ सर, मन से तैयार होके मैं उस जिम्मेदारी को खुद अपने मन से तैयार होकर आई हूँ कि मैं उसको वहन कर सकती हूँ। साथ ही मेरे अंदर कला कौशल्य भी है कि मैं जो नई जिम्मेदारी है उसको बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकूँ। और मैं प्रमोशन इसलिए भी लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज में एक अच्छी मिसाल भी पेश करना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लिए गौरव बनना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए एक लीडर बनना चाहती हूँ, और साथ ही साथ इस महान संस्था के लिए और अच्छा कर पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ उसके लिए मुझे ये पद की ज़रूरत है सर। और अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद दिए और आप लोगों का अगर मुझे अवसर मौका दिए तो मैं बिल्कुल इसको सही साबित करूंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन होना चाहिए। फिर क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, है ना? और बाकी जो है साधारण चर्चा होता है, अपने लहजे में अपनी बात ध्यानपूर्वक कह दीजिएगा। और दूसरा चीज ये होता है, ज्यादातर ये सवाल पूछा, दुल्हन वाली बात बहुत सुंदर है,
हाँ दुल्हन वाली बात तो सुंदर है, सही बात है, क्योंकि वैसे ही होता है, आपको फील जहाँ अच्छा होता है तो वहां पर आप हाँ कर देते हो, निर्णय लेते हो। कई जगह आप लोन भी बांटते हैं तो ऐसे ही होता है ना मैडम, लोन वगैरह भी हम डिसाइड करते हैं तो उसमें हमको ऐसा मैचिंग आ जाता है फील में कि हाँ भाई ये बंदा जो है सही लग रहा है, फटाफट कर दो इसका, है ना। तो और एक चीज जो मैं देखा कि उसमें पूछा जाता है आपके एक्शन प्लान के बारे में, पूछा जा रहा है कि आप अगर बड़ी जिम्मेदारी दिया गया, सीनियर मैनेजर बना दिया गया, ब्रांच मैनेजर बना दिया, तो बैंक के लिए क्या क्या करोगे, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए चार पांच चीजें आप जरूर बता दीजिएगा कि अगर मुझे ये मौका दिया गया तो सबसे पहले मैं अच्छी ग्राहक सेवा रखूंगा। क्या रखूंगा? अच्छी ग्राहक सेवा, क्योंकि आजकल ग्राहक सेवा जो है अच्छी रखें, क्योंकि हमारा हमारा वजूद किस लिए है बताइए, ग्राहक के साथ है। भले ये हाँ है ग्राहक नहीं है तो क्या ताला लगा दो, फिर क्या करना है। तो ग्राहक सेवा अच्छी रखेंगे, साथ ही साथ जो है मैं अपने आसपास, अपने जो टेरिटरी है, टेरिटरी में वहां के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी रखूंगा। क्या रखेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी रखूंगा। ये दो महत्वपूर्ण काम है, एक ग्राहक सेवा, और जिस टेरिटरी में आपको काम करने का मौका मिला है, चाहे भोपाल के किसी ब्रांच में या जो भी आपका पंचमणि या जहां भी मिला, सीहोर में मिला है, तो आप बोलेंगे मेरे टेरिटरी में जितने जगह आते हैं, जितने विलेजेस आते हैं सर्विस एरिया में, मैं उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी रखूंगा, क्योंकि वहां के आप राजा हैं। और राजा का काम क्या है कि सभी लोगों को समान तरीके से, जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप अपना बिजनेस के लिए, मान लीजिए आपको पता है या इस इलाके में 10 परिवार ऐसे हैं जहां पर करोड़ों रुपए है, तो आप क्या करोगे, वहां से करोड़ों रुपए लाओगे, फिर आपको पता चलेगा ये नीडी लोग हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं, इनको पैसा चाहिए, तो फिर उनको पैसा दोगे। यही तो बैंक का काम है ना। तो पहली चीज कि मैं अपने टेरिटरी में, अपने सर्विस एरिया में अच्छी फाइनेंशियल ग्राहक इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी रखूंगा, दूसरी चीज अच्छी ग्राहक सेवा रखूंगा, तीसरी चीज जो मेरे साथ काम करने वाले स्टाफ हैं उनको जागरूक करूंगा, उनको कला कौशल वृद्धि करने में प्रयास करूंगी या प्रयास करूंगा, और उनमें सामंजस्य स्थापित करके एक टीम वर्क के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। और चौथी चीज है कि जो हमारे उच्च कार्यालय हैं, हमारे जो रीजनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं और हेड ऑफिस हैं, उनके नीति नियमों का सही तरीके से पालन हो, उसके प्रति मेरी जवाबदेही रहेगी, और उसके नियमों का पालन करना ही हमारे प्राथमिक जो है दायित्व तो होगा। क्योंकि भाई एक नीति बनता है, एक नियम बनता है, सृष्टि नियमों से चलती है, पूरी सृष्टि जो है नियमों से चलती है। आप बताइए, आप सड़क में जाते हैं, अगर नियम का पालन न करें तो क्या होगा स्वाति मैडम, एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप जब सड़क में चलते हैं, कार में चलते हैं, बाइक में चलते हैं, तो हेलमेट पहन के चलते हैं पूरा नियम, तो ठीक उसी तरह बैंक में भी हम नियमों का पालन करेंगे तो हम जो है सही तरीके से, जिस उद्देश्य के लिए बैंक बनाया गया है उस उद्देश्य का परिपालन होगा। तो ये बात हो गई। और चौथा जो लास्ट जो बात होती है कि हम बैंक का जो व्यवसाय वृद्धि के लिए हम पूरा जी जान लगा देंगे, बैंक के व्यवसाय, क्योंकि आपको वहां बिठाया किस लिए गया है बताइए, हाँ बैंक के बिजनेस को जी बढ़ाने के लिए, है ना। तो हम बैंक के बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर देंगे, और ये अगर आप बोल पाएंगे तो मजा ले, कोई आपको रोक ले। और फिर जब ऐसा आप हमें तो जितनी बार इंटरव्यू का मौका मिलता है, हमको तो शायरी बोलना पड़ता है। हमको बोलते चलो एक शायरी सुनाओ, तो हम बोलते हैं सुख भी बहुत है तो परेशानी भी बहुत है, सुख भी बहुत है तो परेशानी भी बहुत है, लाभ भी बहुत है तो हानि भी बहुत है, क्या हुआ प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानी भी बहुत है, वो मेहरबानी भी बहुत है। तो हम बोलते हैं सर ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि हमें इस महान संस्था, इस बैंक में काम करने का हमें मौका दिया, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो ये मौका मिला है इस मौके को सीखते हुए, अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, मैं इस सफर को बढ़िया तरीके से पूरा कर लूंगी, पूरा कर लूंगा, और अपने जीवन में आनंद को भरते हुए अपने परिवार की भी देखभाल कर पाऊंगी, और मेरे में इतना सामर्थ्य है क्योंकि मैं इतना जानती हूँ या इतना जानता हूँ कि जो काम मुझे आता है उसको मैं कर लूंगा, और जो काम मुझे नहीं आता है उसको मैं सीख लूंगा। बजाओ ताली देवेंद्र भाई, ताली तो बजाओ यार, ताली तो ये बनता है डायलॉग अच्छा ना। ठीक है, तो जी ये तमाम चीजें रहती हैं, और सफलता तो मिलकर रहे। मैडम, बी है तो वो भी है, तो कि बी है, महिला है, आप कैसे करेंगी?
हाँ महिला है तो आप बोलिएगा। हाँ महिला आप बोलिए। पहली बात तो आज जमाना बदल गया है ना। आप बोलिएगा पहली बात, पहले जैसा समय नहीं रहा सर। आज न होगा कल के जैसा, कल न होगा आज के जैसा। पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा। तो समय बदल चुका है, अब लोगों की सोच बदल चुकी है। आज सरकार जो है महिलाओं को आगे करना चाहती है, पूरा समाज भी सम्मान देता है और महिलाएं किसी से कम नहीं है और वो हर चीज महिलाएं कर सकती हैं, किसी भी पुरुष से कम नहीं है। तो उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी भाव के साथ मैं जो है बैंक में काम करती हूँ और हमेशा लीडरशिप, एक लीडर के तौर पे अपने आप को सक्षम मानती हूँ और अपने कार्यों से उनका जो है मैं अनुसरण करती हूँ। जैसे आप उदाहरण के तौर पे बताइएगा कि अभी बैंकों में पब्लिसिटी के तौर पे ये हिंदी दिवस का प्रोग्राम हुआ था, स्कूल में हम लोग किए, और कहीं रिकवरी में जाना होता है तो हम अपने कार लेके, ड्राइवर लेके चले जाते हैं, गार्ड लेके चले जाते हैं। तो हमें वो भय, हमारे अंदर चार पांच शक्तियां उजागर करने की जरूरत है। एज ए बैंकर जो है हमारे अंदर कम से कम पांच शक्तियां होनी चाहिए। पहली शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो होती है ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। आपके अंदर पावर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए। तो पहली शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए पावर ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी घमंडी हो, कितना भी वो हो, आपको हरा नहीं सकता, आपसे गलत नहीं करा सकता। आपके जो RM ZM है वो भी आपसे गलत नहीं करा सकता। आप अगर ज्ञान है, अगर सही तरीके से विनम्र भाव से उनको बताएंगे ना, तो बोलेंगे समझदार है ब्रांच मैनेजर भैया, सही तरीके से। तो पहला पावर ऑफ नॉलेज। दूसरी जो शक्ति होती है साहस करने की शक्ति, साहस करने की शक्ति। आज आप भले ही महिला हैं लेकिन आपके अंदर साहस है कि आप समाज में जाते हैं, लोगों के पास बिजनेस मांगने जा रहे हैं, लोगों को लोन देने के लिए जा रहे हैं, उनके घर को देखने जा रहे हैं, उनका ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हैं। तो आपके पास पावर ऑफ नॉलेज हुआ, दूसरा पावर ऑफ करेज, आपके अंदर साहस है नया काम करने के लिए। आप हिंदी दिवस में बताए स्कूल कॉलेज गए थे, आप कहीं पर SDM से मिलने जा रहे हैं, कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, गवर्नमेंट डिपॉजिट लेने जा रहे हैं, तो इसके अंदर करेज चाहिए, साहस चाहिए, है ना, सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ करेज। तो तीसरी शक्ति होती है सहने की शक्ति, सहने की शक्ति। आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है। तो पावर ऑफ पेशेंस, मतलब पेशेंस कैसे होता है, इधर कस्टमर खड़ा है, मेरा करिए, मेरा जल्दी करिए, हमसे मत पूछो कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, जल्दी दे दो मैडम, जल्दी स्वाति मैडम जल्दी लोन दीजिए हमको है ना। तो ये जो है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। फिर उधर से RO से फोन आ रहा है, ZO से फोन आ रहा है, फिर वो कस्टमर, एक बड़ा कस्टमर आ रहा है, छोटा कस्टमर आ रहा है, फिर स्टाफ जो है चाबी फेंक के चला जा रहा है कि मुझे नींद आ रही है, देवेंद्र भाई की तरह चलो जाना है मेरे को, घर घर जाना है, ससुराल जाना है। तो ये सारी चीजें आपके साथ साइमल्टेनियसली होता है। तो आपके अंदर पावर ऑफ पेशेंस होना चाहिए। और वो पावर ऑफ पेशेंस क्या करेगा, ये तमाम चीजों का इंफॉर्मेशन आपके माइंड में इकट्ठा करेगा और डिसाइड करेगा कि इस काम को पहले रिएक्ट करना है। तो आप सोचिए जब हेड ऑफिस से फोन आ रहा है तो उसको पहले रिएक्ट करोगे, उसके बाद देवेंद्र को देखोगे कि तुमको छुट्टी देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से आप जो है पावर ऑफ पेशेंस होना चाहिए। फिर अगली बात होती है आपका जो है सीखने की शक्ति, लर्निंग कैप, लर्निंग लर्निंग जो होता है कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण शक्ति होती है कोलेब्रेशन की, कोलेब्रेशन की, क्योंकि बैंकिंग जो है कोलेब्रेशन है। आप पब्लिक से कोलेबरेट करेंगे और जगह जो प्रचार प्रसार करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तभी तो आपके लोग जानेंगे ना। जैसे आप सोचिए, मैं मैडम या देवेन भाई इनको बताता हूँ कि आपको अगर अपनी पब्लिसिटी करना है ना, तो एक ऐसी जगह जाइए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, हम लोग एक जगह घूमने गए थे, हम लोग छुट्टी के दिन घूमने चले जाते थे। तो हम ब्रांच मैनेजर जो है बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, तो हमने देखा कि एक परिवार जो है वो मिट्टी से घर बना रहा था, है ना मैडम, मिट्टी से घर बनाते थे उन, और वो उनके बेटी और उनकी मैडम सब लोग जो है मिट्टी से घर बना रहे थे। तो हमने बोला सर यहाँ रुका जाए थोड़ा, देखते हैं। तो उनसे पूछे तो कितने दिन हो गया, बोले 3 महीना हो गया, हम लोग इतना इतना बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, डेली कमाते थे, थोड़ा बहुत कुछ खरीद के लाते थे फिर बनाते थे। हमने कहा सर इनको DRI लोन देते हैं, और वो हमारे जो ब्रांच से 10-15 किलोमीटर दूर था, तो हम उसको DRI लोन दिए 15,000 रुपये। उसको पूछे कितने की जरूरत है, तो बोला 10,000 में बन जाएगा। तो आप सोचिए 10,000 रुपये, तो हम 15,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये
घर फटाफट एक महीने में बना दिया और 5,000 में ठेला दे दिया और वो अंडे का अंडा बेचने लग गया अपने घर के सामने। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 6 महीने के अंदर सारे लोन पटा दिया और अंडा कैसे बिकता है बताइए, अंडा तो बस खत्म हो जाता है ना। तो उसके बाद वो मुर्गी रखने लग गया, फिर बकरी रखने लग गया, अभी तो साल का 5 लाख 6 लाख रुपए कमाता है, मेरे ख्याल से 10-15 लाख का एसेट भी बना दिया, घर भी पक्का बना दिया। फोन करता है तो अब वो बंदा क्या किया कि हमने उसको सब चीज दे दिया हसल फ्री तरीके से, तो वो हमारा प्रचार प्रसार करा। आज भी बोलता है कि अरे सर एक साहब आए थे सर, मान हम साहब ही नहीं थे, हम असिस्टेंट मैनेजर थे, बट कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपना प्रचार प्रसार मतलब ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हमारे लिए वही है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसके लिए बोलते हैं कोलैबोरेशन, इसके लिए बोलते हैं अपना स्मृति चिन्ह छोड़ना। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये क्वालिटी तो आपका अगर रीजनल मैनेजर के सामने भी आपकी अच्छी एक छवि बन गई तो छवि कैरी होती है कि देखिए ये भरोसेमंद है, देवेंद्र स्वाति मैडम भरोसेमंद है, ये बढ़िया कर लेंगे। तो ये तमाम क्वालिटी है। तो चलिए 11:30 बज गया है, आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, बट मैंने नहीं खाया है क्योंकि खाने के बाद पढ़ाना बड़ा कठिन होता है। तो आपकी मैडम जो है वो इशारा कर रही है, चांद सी मैडम है, तो वो चांद जैसा रोटी बनाएगी अभी, फिर हम लोग अभी 2 रोटी खा लेते हैं, फिर उसके बाद अगले फिर सेशन में शुरुआत करेंगे। जब एक बार मीटिंग करेंगे तो आप लोग आ जाइएगा तो सबसे मिलाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, आप सभी के लिए